हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारी चिक्स का है 25वां दिन। जी हाँ, और मॉर्टेलिटी अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रही है। जो बच्चा मर रहा है वो छोटा ही मर रहा है, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी ले रहा है वैसे धीरे धीरे, तो सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तो मैंने वज़न नहीं किया, 22वें दिन वज़न किया था, 800 ग्राम था, अब मेरे ख्याल से 1 kg का प्लस हो चुका है जी, तो ठीक है, वज़न काफ़ी अच्छा है। बाकी दोस्तों, मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं ईसी शेड ठीक है कि ओपन शेड सही है। देखिए, हमारे पास दोनों शेड है, ईसी शेड भी है और ओपन शेड भी है जी। और बात ये है कि दोनों फार्म संभालने पड़ रहे हैं और हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा, जिसके कारण हमें हमारा थोड़ा रिजल्ट वगैरह थोड़ा ख़राब हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, और लेबर हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही, जिसके कारण हम बहुत परेशान हैं, तो इसलिए हमारा रिजल्ट भी वगैरह थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगर लेबर होगी तो वो दोनों फार्म संभालेगी और हमको हम उनको बताएंगे क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना जी। तो बाकी आपको मैं बताता हूँ कौन सा फार्म सही है, ईसी फार्म सही है कि ओपन शेड सही है। देखिए, ओपन शेड बिल्कुल सही है और ईसी शेड भी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इन दोनों की क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पैसा उस हिसाब से है, जिस हिसाब से आप इनकम कम है और पैसा कम है आपके पास, तो आप ओपन शेड आप खोल सकते हैं, बना सकते हैं, और आप इस तरीके से बनाना ओपन शेड जैसे कल को आप ईसी शेड कर सको, जैसे वो सामने है दीवारें हैं, तो मैंने गलती की, लेकिन आप 56 इंच इधर चौरस पूरा 56 इंच इधर, चार जैसे 30 फीट है, 4 पंखों के लिए आपने जगह छोड़ देनी है ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर, और 56 इंच चौड़ा जो होता है वो उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है, जिससे पंखे फिट हो जाए यहाँ पर जी, तो ऐसा आपने कर लेना है। तो ओपन शेड जो होता है उसमें थोड़ा गर्मियों में थोड़ी मुश्किल आ जाती है जी, मुश्किल गर्मियों में ये आती है क्योंकि आपके सामने हीट स्ट्रोक काफ़ी आ जाता है और काफ़ी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं और काफ़ी कुछ अच्छा ऐसा हो जाता है ओपन शेड में जी, जो कि मैं अभी इनको अभी जो मैं देख रहा हूँ जी, तो फोगर वगैरह लगाने पड़ते हैं, टाट पल्ली लगानी पड़ती है, पंखे वगैरह लगाने पड़ते हैं, इससे जितने इससे क्या स्प्रिंकलर लगवाने पड़ते हैं, अगर आपको डबल शेड दूँ, इससे क्या होता है काफ़ी हद तक बच्चों को राहत मिल जाती है जी। और आपको अगर आईवी कंपनी के डालोगे चिक्स तो वो 8 रुपये देंगी, मतलब कि जीसी के हिसाब होता है अपना सीजन वाइज जी, ऐसे जैसे समर चल रहा है उसमें आपको 8 रुपये मिलेंगे, अगर सर्दियाँ 7.5 रुपये मिलेंगे, और कॉस्ट वगैरह चेंज होती रहती है, हर कंपनी का अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना तरीका है जी, तो इस हिसाब से। तो सिर्फ 2 लाट गर्मियों के मतलब कि मुश्किल से निकलते हैं, 2 लाट होते हैं मुश्किल वाले गर्मियों में, उसके बाद सर्दियों में सही रहता है। लेकिन ईसी शेड का फ़ायदा क्या है, सेमी ईसी लगा लोगे, फुल ईसी लगा लोगे, सेमी ईसी डालोगे तो आपको कंपनी 9 रुपये देगी, अगर आप फुल ईसी डालोगे तो आपको कंपनी 10 रुपये देगी, तो सिर्फ गर्मी का लाट 2 निकलेंगे जी, बाकी 4 लाट जो 5 लाट वो सर्दी के निकलेंगे। तो उसमें फ़ायदा ये है कि पैसा आपको सेम मिलेगा, ईसी शेड में पैसा आपको सेम ही मिलेगा, तो ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा है ये है कि ईसी शेड में क्या होता है, ज़्यादा काम वगैरह नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सिर्फ फी अगर सेमी ईसी करना तो फीड सिर्फ आपको फीड डालनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सिस्टमेटिक होता है और अपना ऑटो होता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, पानी जो होता है वो ड्रिंकर और दूसरे लगे निप्पल लगे होते हैं, पंखे जो होते हैं वो सेंसर के हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से पर डे के हिसाब से सेट किए होते हैं, ऊपर कूलिंग पैड भी अपने हिसाब से चलते हैं, कब बंद होते हैं कब चलते हैं वो अपने हिसाब से सेंस करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो गर्मी जो सर्दी वाला लाट है सॉरी जो ईसी शेड है वो गर्म अपना ओपन शेड है, उसमें क्या है ईसी शेड जो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 5 से 10, 7 से 10 लाख तक ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है नॉर्मल शेड के मुकाबले। नॉर्मल शेड मान लीजिए अगर आपने 10,000 चिक्स का बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख कॉस्ट आएगी आपकी डबल शेड जो होता है। अगर आपने यही शेड
लंबा शर्ट बनाना है सिंगल 10,000 चिक्स के लिए, तो आपका 25 से 35 लाख के बीच में इसी शर्ट का खर्चा आएगा जी। तो ये सब चीज़ें हैं, वो तो जितना खर्चा आपका ज़्यादा आएगा वो आपका 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा जी। और एक तो बेनिफिट इसी शर्ट में बेनिफिट ये है कि वज़न जो आता है वो नॉर्मल शर्ट से 200-250 ग्राम ज़्यादा ही आता है जी। और जो बीमारी है कम से कम 60% बीमारी उसमें कम आती है, 60-70% बीमारी कम आती है, लेकिन जो ओपन शेड होता है उसमें बीमारी आने के चांस काफ़ी हद तक रहते हैं जी, क्योंकि ये पूरा ओपन रहता है जी। तो जो इसी शेड होता है वो पूरा बंद रहता है, तो उसमें काफ़ी हद तक चांस है कि बीमारी ना आए, लेकिन इसमें बीमारी आने का चांस हमेशा ही बने रहते हैं। जैसे अभी इकोलाई वगैरह आ गई है तो इस तरीके से जी। तो अंतर तो ये है, बाकी हमारा जो है ओपन शेड में जो हम सिल्का डालते हैं, चोलों का सिल्का डालते हैं, उसमें हमारी लागत आ जाती है। मान लो मैं 15 क्विंटल डालूँगा तो मेरे वहाँ से 10,000 से 12,000 रुपया उसमें आ जाएगा। अगर बुखारी जलाऊँगा, बुखारी तो चलो खैर इसी शेड में भी चलाते हैं, बुखारी जलाऊँगा उसमें भी मेरा 15,000 का बुरादा लग जाता है, तो टोटल हो गया आपका 27,500 ये हो गया हमारा। और मतलब कि ओपन शेड में लगभग हमें एक लॉट में कम से कम 20,000 से 30,000 खर्चा आ जाता है, और यही सेमी एसी या एसी शेड में हमारा खर्चा आ जाता है 10,000 से 15,000 लेबर आ जाती है, 10,000 से 15,000 बिजली का बिल आ जाता है, और लेबर का खर्चा आ जाता है 15,000 प्लस 30,000 हो गया ये, और प्लस आपका जो चौलों का छिलका होता है उसमें ज़्यादा डालना पड़ता है, तो 15,000 ये लगा लीजिए, 45,000 आ गया ये वाला। तो अगर सर्दियां हैं तो बुखारी चलानी पड़ेगी, तो बुखारी 15 मतलब कम से कम 50,000 खर्चा आपका, 50,000 से 60,000 खर्चा आपका हर लॉट में सेमी इसी शेड में है, और उससे आधा खर्चा ओपन शेड में है जी, जो हमें एक्स्ट्रा अपने खुद से देना पड़ता है। तो आप तो सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा शेड सही है कौन सा नहीं सही है, आप अपने पैसों के हिसाब से आप कोई भी शेड बनवा सकते हैं अच्छे तरीके से। और बाकी जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि आप कोशिश ये करें कि इसी शेड ही बनवाएं, और ऐसा ही बनवा सकते हैं जैसे ये है ऐसा ही आप बनवा सकते हैं, और हाइट कम से कम 7 से 8 फीट तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना करें। 7 से 8 फुट में फिट में क्या होता है इसी शेड में, एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और दूसरा गर्मी भी कम रहती है, और जो हवा आसपास रहती है वो सही रहती है गर्मियों में, और सर्दियों में टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है। जो मेरे शेड की हाइट है वो 7.5 फीट है जी हाँ, 7.5 फीट से थोड़ा 2-3 इंच ऊपर होगी, इतनी मेरे शेड की हाइट है सिर्फ नॉर्मली, तो इतनी ही रखें वो सही रहेगा आपके लिए। और मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि आप इसी शेड बनवाएं वो सही रहेगा, सेम चीज़ सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं आप, बस आपका खर्चा कहाँ पर आएगा, पंखे में आएगा, कूलिंग पैड में आएगा, पैनल में आएगा, और निप्पल ड्रिंकर में खर्चा आपका आएगा, और किसी जगह में आपका खर्चा नहीं आएगा जी। तो अगर आप ओपन शेड बनाना चाहते हैं तो आपका उसका जो है मान लीजिए अगर आप इसी शेड बनाते हैं उसमें 5 से 7 लाख ज़्यादा लेके चलें, और अगर नॉर्मल शेड बनाना चाहते हैं वो उसमें 5 से 7 लाख कम लगेगा, बस यही है। बाकी फार्म सेम होता है, बस जो उसमें सामान होता है जैसे कूलिंग पैड, पैनल हो गया, अपने एग्जॉस्ट फैन जो बड़े होते हैं वो हो गया, निप्पल ड्रिंकर हो गया, ये सब चीज़ों की पैसे कॉस्ट लगती है ज़्यादा, बाकी फार्म सारे ही सेम होते हैं ठीक है जी। अगर जिनका शेड ओपन है अगर वो अपना क्या नाम उसका वो इसी करना चाहते हैं तो वो सबसे बढ़िया बात रहेगी जी। तो उनका अगर आपका मान लीजिए शेड 5,000 चिक्स का शेड है, जैसे मेरा नीचे 5 डबल शेड है ना मेरा, जैसे मान लीजिए मेरा नीचे 5,000 चिक्स का शेड है, अगर आप कंपनी से बाहर कहीं से करवाते हैं तो आपका 5 से 8 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा इसको अपना सेमी एसी करवाने में जी।
अगर फुल्ली एसी करवाना है तो आपका 10 से 12 लाख रुपया ख़र्चा आ सकता है फुल्ली एसी में जी। तो फुल्ली एसी में क्या होता है, फुल्ली एसी में जो फीडर होते हैं ये भी इनकी लाइन अलग होती है। जैसे मेरा 30 फीट चौड़ा है, इसमें तीन लाइनें लगेंगी इसमें फीडर की, वहाँ से फीड डालेंगे और आगे सबसे आगे सेंसर होगा, वो फीड को पूरा आगे खींचेगा और एक एक फीडर में फीड जलती जाएगी, डेढ़ के जी फीड डलती है एक फीडर में, और जब तक लाइट रहेगी जनरेटर रहेगा तब तक वो फीडर फीड उसमें चलती रहेगी जी हाँ। तो मेरे ख्याल से एक जो होता है, एक जो लाइन होती है फीडर में, उसमें कम से कम मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 50 केजी तक शायद फीड डल सकती है, 50 केजी या उससे ज़्यादा, मतलब कि 2-3 कट्टे शायद डल सकते हैं, 150 केजी या इतने कुछ बोल रहे थे वो। तो बाकी जो है हमारा और दूसरा सेमी एसी क्या होता है, सेमी एसी में क्या होता है, ड्रिंक निप्पल ड्रिंकर लगेंगे, ये जो ड्रिंकर है ये नहीं होंगे, इसमें निप्पल ड्रिंकर लगेंगे और दूसरा साथ में फीडर होगा, बस फीडर होंगे उसमें, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। फुल एसी और सेमी एसी में सिर्फ यही फ़र्क है, और ओपन शेड और नॉर्मल शेड यही होती है जो आप देख रहे हैं जी हाँ। और एक होती है बेसिक एसी, बेसिक एसी शेड पता कैसे बोलते हैं, जो सिर्फ अपने कूलिंग पैड होते हैं, कूलिंग पैड लगे होते हैं और पंखे लगे होते हैं सिर्फ, एग्जॉस्ट फैन, बाकी सब कुछ ये होता है, उसे बोलते हैं बेसिक ईसी, भी जिस चीज़ की लो ज़रूरत है बस वही लगाया है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा शेड आप बनवाना चाहते हैं आने वाले टाइम में, जो है वो ईसी शेड का है, सेमी ईसी बना सकते हैं, ईसी शेड का बना सकते हैं। ईसी का मतलब होता है, ईसी का मतलब होता है इन्वायरमेंट कंट्रोल, बाहर चाहे कोई भी इन्वायरमेंट रहेगा लेकिन अंदर आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा जी। तो ये फ़ायदा है ईसी शेड का, और पैसा ज़्यादा होगा, आमदन दुगनी होगी, खर्चा तो चलो खैर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा लेकिन मुनाफा ज़्यादा होगा, और लेबर जो होती है लेबर को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। ओपन शेड में लगातार काम करना पड़ता है, कभी ड्रिंकर साफ़ करने पड़ते हैं, कभी फीडर साफ़ करने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी टाट पली लगा ली, कभी फोगर जला लिए, कभी पंखे जला लिए, कभी कुछ जला लिया। लेकिन एसी शेड में क्या है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइट के बंदोबस्त आपके वहाँ होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 किलोवाट का जनरेटर आपका होना चाहिए। अगर आपके पास चिक्स 10,000 से 15,000 के बीच में चिक्स है तो आपका जनरेटर कम से कम 20 से 25 केवी होना चाहिए। अगर आपके पास चिक्स 5,000 से 10,000 चिक्स है तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए 15 से 20 केवी का, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके एग्जॉस्ट फैन नहीं चलेंगे जी। 5 पंखों में और 5 पंखे, और अगर फुल ऑटोमेटिक करना चाहते हैं 5 पंखे लगाकर बड़े एग्जॉस्ट फैन, तो उसमें जनरेटर चलेगा 15 केवी का। अगर आपके पास 7 से 10 पंखे लगे हुए हैं एग्जॉस्ट फैन के और फुल ऑटो है, जैसे फीडर भी हैं, फीडर में भी मोटर लगी होती है, उसमें आपका चलेगा 20 से 25 किलोवाट का अपना जनरेटर जी हाँ। तो लाइट का बंदोबस्त आपके वहाँ होना चाहिए इसी फार्म में 24 घंटे के लिए, तो ये चीज़ है। और जैसे ही लाइट जाएगी तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए जनरेटर अवेलेबल रखें, और जनरेटर रखें ऑटो कट और ऑटो स्टार्ट वाला ही जी हाँ, वो सही रहेगा। उससे क्या होगा, अगर लाइट जाएगी 5 सेकंड के बाद आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही लाइट आएगी और 5 सेकंड बाद, थोड़े टाइम बाद जनरेटर अपने आप ही बंद हो जाएगा जी हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो ज़रूरत है जो मुझे बताने की, वो मैंने बता दी है। बाकी जैसे ही आपको कुछ अपना क्या नाम उसका कोई भी जानकारी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट वगैरह मैसेज वगैरह कर सकते हैं, और जिस हिसाब से मैं आपको उसका रिप्लाई कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा देने की रिप्लाई कोशिश करूँगा पूरी, क्योंकि इन दिनों में मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं ठीक है जी। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ बर्ड को, मैंने वज़न तो किया नहीं लेकिन जैसे ये बर्ड बैठे हुए हैं ये कम से कम 1400-1500 ग्राम के बीच बीच में काफ़ी बर्ड हैं, मतलब कि अब दिन पर दिन बर्ड जो है ना ग्रोथ ले रहा है, अच्छी ग्रोथ ले रहा है। तो मैं सोच रहा था 1 केजी होगा लेकिन ये तो 1 केजी से प्लस लग रहे हैं मुझे अभी जी, जिस हिसाब से मैं बीच में घूम रहा हूँ जी। लेकिन गर्मियाँ हैं, कुछ पता नहीं चलता, क्या कह सकते हैं हम।
लेकिन अभी जो मेडल्टी है 15-20 मेडल्टी हो रही है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनकी मेडल्टी सिर्फ 5-7 है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो इकोलाई के शिकार हो चुके हैं उनकी मेडल्टी ज़्यादा है जी। तो ओके दोस्तों, तो आपको मैंने डिफरेंट बता दिया है कि कौन सा शेड सही है, कौन सा शेड नॉर्मल है, तो आप उस हिसाब से अपने पैसों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसी शेड बना सकते हैं जी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद करते हैं आपका इन सब इतना प्यार देने के लिए और मेरी हर एक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।